पंजाब की दो चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हैं, एक लस्सी दूजी अस्सी। ये सामने जो आपको सफ़ेद रंग की बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, ये गुरुद्वारा है और ये बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान है, यानी कि यहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। शोरपुर कभी बहुत ही मसरूफ़ स्टेशन हुआ करता था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ पर ट्रेन्स की तादाद कम होती गई और आज ये तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। सिक्स फोर ज़ीरो सेवन आज हमारा इंजन नंबर है। चलिए ड्राइवर साहब से मिलते हैं और फिर अपने ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक है आज हमारे पास रेलवे सर्कुलर की, जिसमें हमारे पास दो सीटें, एक टेबल है कंबाइन, और सामने जनरेटर रूम को देखते रहने के लिए एक खिड़की है जिसको फ़िलहाल बंद किया गया क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हैंड ब्रेक है और एक रियर विंडो है। आज हम इसको कोशिश करेंगे ज़्यादातर बंद ही रखें क्योंकि बहुत ही डस्टी सेक्शन है ये हमारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दिन है आज 12 सितंबर बरोज़ बुध वेडनेसडे और टाइम हो रहा है इस समय हमारे पास 3:29 और हम मौजूद हैं सिर्फ शोरपोर्ट सेक्शन पर वर्किंग करने के लिए। रावी एक्सप्रेस शोरपोर्ट से लेकर लाहौर तक, कल हम रावी एक्सप्रेस डाउन में लेके आए थे तो आज हम अप में यानी कि 121 अप लेके जाएंगे। बाकी तफसील बाद में। 3:30 हमारा डिपार्चर टाइम हो चुका है और ड्राइवर साहब ने व्हिसल दे दी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और आपके साथ रहेंगी बातें। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जी ड्राइवर, 121 इंचार्ज गेट डालें। बिस्मिल्लाह सर, राइट। ठीक 3:30 पर हमारा शोरकोट से डिपार्चर हो चुका है। 260 किलोमीटर का यह सफ़र है, जिसमें से 218 किलोमीटर यानी कि शेखुपुरा से लेकर शोरकोट तक की जो ब्रांच लाइन है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो किस किस रेल फैन ने यह सेक्शन पहले देखा हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंजन है आज हमारे साथ ZCU-26407। ड्राइवर साहब है मोहम्मद यूनस और इजाज़ अहमद असिस्टेंट ड्राइवर साहब हैं। हमारी ट्रेन पॉइंट्स पे जाके रुक गई है, गालबन सिग्नल जो है वो सेल्फ रेज्ड हो गया है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो कैबिन मैन जो है उसको दोबारा लोअर करने की कोशिश कर रहा है। सामने आपको कैबिन नज़र आ रही होगी, ये सामने जो है ये हमारी कैबिन है और उसके साथ ये हमारा इंजन रुका हुआ है। शोरकोट एक जंक्शन स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन खानेवाल आ रही है, आगे जाके वो तीन लाइनों में डिवाइड हो जाती है। नंबर वन पे सदर जंग है, दूसरे नंबर पे फैसलाबाद दरमियान वाली लाइन जो कि मेन लाइन है, और तीसरे नंबर पे जिस पे आज हम जाने वाले हैं वो है तांदले वाला जड़ा वाला ब्रांच लाइन जो कि शेखुपुरा जाती है। फैसलाबाद जाने वाली लाइन दोबारा शेखुपुरा आकर इस लाइन से यानी कि हमारी ब्रांच लाइन शेखुपुरा शोरकोट वाया तांदले वाला जो ब्रांच लाइन है इससे आकर मिल जाती है। शोरकोट से चल के जो हमारे स्टेशन है उनमें पहला स्टेशन पीर महल, फिर कमालिया, कमालिया के बाद खिजवानी, मामू कांजन, मामू कांजन के बाद तांदलिया वाला, रोडाला,
टोडाला के बाद जड़ावाला के बाद आता है हमारा बुचियाना के बाद ननकाना साहब यानी कि गुरु बाबा गुरु नानक का जहाँ पे स्थान है। जनाब हमारा आता है ननकाना साहब के बाद हमारा अगला स्टेशन होगा बारब्रेटन और बारब्रेटन के बाद इस व्लॉग का आखिरी स्टेशन यानी कि शेखुपुरा। तो गाड़ी हमारी जो है वो चल पड़ी है 3:37 पे। दोबारा ख़राबी जो थी इसकी सिग्नल से उसको दूर कर लिया गया। तो चलिए देखते हैं आगे हमारे साथ आज क्या क्या पेश आने वाला है इस व्लॉग में। सफ़र की इब्तदाई जो है वो एक हर्डल से हो चुकी है, तो उसका मतलब है काफ़ी एडवेंचरस जर्नी होने वाला है आज हमारा। सो लेट्स सी। जी व्यूअर्स, तो बाहर आप वाजह तौर पे देख सकें तकरीबन ब्लैक आउट है, बिल्कुल अंधेरा है। आबादियाँ यहाँ पे काफ़ी दूर दूर हैं और तर्ज रिहाइश जो है अभी भी वो ओल्ड है यानी कि कदीम तर्ज का है। उसके अलावा ये ज़्यादा ज़्यादातर जो है ये देहाती और ज़रात वाला एरिया है जिसमें काफ़ी किस्म की फसलें ख़ास तौर पर गन्ना, कपास, गंदम और चावल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो चलिए अगले स्टेशन की तरफ चलते हैं और साथ साथ हर स्टेशन की आपको डिटेल भी आज वीडियो में मिलती जाएगी। जी व्यूअर्स, तो टाइम हो रहा है हमारे पास 4 बजे और सुबह के 4 बजे हम पहुंच चुके हैं पीर महल। छोटा सा Grade 1 Class 1 इंटरलॉकिंग का स्टेशन है। 2 लाइनें हैं इसमें, एक मेन लाइन और एक लूप लाइन। और आगे यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद इंशाल्लाह रवाना होंगे। यहाँ की जो मशहूर चीज़ है एक वो ज़रई इलाका जिसमें कपास, गंदम और चावल और गन्ने की पैदावार है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो छोटी सनत शूज़ मेकिंग यानी कि जूते बनाने की, ख़ास तौर पे लेडीज़ के जो होते हैं उसकी घरेलू सनत पीर महल की बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत ही अलग क्वालिटी के यहाँ पे शूज़ जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ये एक कमरे की स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग है और हम 2 मिनट के स्टॉप के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो स्टेशन है वो काफ़ी दूर हैं, तकरीबन 20-20 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन आता है। और स्पीड लिमिट जो है इस सेक्शन की वो मैक्सिमम 65 है और कम कहीं पे 20 किलोमीटर भी इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो जाती है। जी, तो टाइम हो रहा है हमारे पास 4:24 और हम पहुँच चुके हैं अपने अगले स्टेशन। Class 1 Grade 1 का स्टेशन है Class 1 इंटरलॉकिंग कमालिया की खद्दर जो है वो बहुत मशहूर है। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप जो है वो 2 मिनट का होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम रवाना होंगे। अजान फजर का टाइम हो रहा है और अजान हो भी रही है कहीं किसी मस्जिद में। तो हम वेट करते हैं अभी अपने डिपार्चर सिग्नल का, ड्राइवर साहब के रेडी विसल हो चुका है। चलिए चलते हैं अपनी ब्रेक की जानिब। ये जी एक कमरे का छोटा सा स्टेशन है, एक कमरे की बिल्डिंग है इसकी। 4:48 पे हम पहुंच चुके हैं मामूगंजन, Grade 1 Class 1 का स्टेशन है और 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी हम यहां से चलने लगे हैं। तो तकरीबन हमारी गाड़ी जो है वो 2 मिनट लेट हुई है सिर्फ अभी तक। जी ड्राइवर साहब राइट सर्विस में लग रहे हैं। टाइम हो रहा है 5:16 और हम चल पड़े हैं कजवानी स्टेशन से 2 मिनट के स्टॉप के बाद। सुबह की हल्की सी रोशनी जो है वो फैलना शुरू हो चुकी है। लाहौर से रावी एक्सप्रेस यानी कि 122 डाउन का शोधकोट के लिए जो डिपार्चर टाइम है वो है 2:30 और अराइवल टाइम जो है वो रात 9 बजे का। दूसरी तरफ यहाँ से चलने का जो टाइम है सुबह वो 3:30 यानी कि रात का टाइम ही हो जाता है और लाहौर पहुँचने का जो टाइम है इसका वो तकरीबन 9:30 का बनता है। तो इस हिसाब से ये जो स्टेशन 2-4 आपको नाइट में नज़र आ रहे हैं
ये आते हुए भी आपको रात को ही मिलने थे और अभी हम जा रहे हैं, तब ये रात में, लेकिन अभी ये कि अगला स्टेशन तकरीबन हमारा लाइट में होगा, सुबह की रोशनी निकल आएगी तो ज़रा व्यू जो है वो वाजे हो जाएगा, लेकिन अगर हम जाते हुए बनाते तो ये तमाम के तमाम स्टेशन बिल्कुल अंधेरे में डूबे होते। अभी कुछ काम है क्योंकि सूरज निकलने वाला थोड़ी देर में, तो चलिए बहरहाल इंजॉय कीजिएगा वीडियो को और हमारी नाइट वर्किंग भी इंजॉय कीजिए। जी व्यूअर्स, तो शफक पे सुबह की सुर्खी जो है वो हल्की हल्की नमूदार होना शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि 10-15 मिनट बाद जो है सूरज भी निकल आएगा, तो चलिए देखते हैं। रोशनी का मैार काफ़ी बेहतर हो गया पिछले क्लिप्स के नस्बत, तो इंशाल्लाह आगे जो है मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें। तो स्टे ट्यून विद जी लॉग्स और देखते रहिए चैनल, देखते रहिए वीडियोस, ताकि आपको मुनफरद किस्म की मालूमात रेल के बारे में मिलती रहे। व्यूअर्स, टाइम हो रहा है हमारे पास 5:42 और दिन माशाल्लाह काफ़ी हद तक निकल आया है, रोशनी फैल चुकी है और हम पहुंच चुके हैं तांदलिया वाला सब डिवीजन है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, और यहाँ पर जो इसका नाम रखा गया तांदलिया वाला वो कोई पुरानी जड़ी बूटी थी हिस्ट्री के मुताबिक तांदला, जो कि यहाँ काफ़ी मकदार में पाई जाती थी उस टाइम, उसकी वजह से इसका नाम तांदलिया वाला पड़ा। वालेकुम सलाम जी, राइट जी। तो यहाँ पे हमारा क्या 2 मिनट का होगा, 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम रवाना होंगे। इस सेक्शन की तारीख बड़ी दिलचस्प है और काफ़ी पुरानी है, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दो मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो चुके हैं तांदलिया वाला स्टेशन से। जी व्यूअर्स, तो टाइम हो रहा है हमारे पास 6:17 और हम पहुंच रहे हैं अपने अगले स्टेशन रुड़ाला रोड पर। ये लाहौर से 135 किलोमीटर के फासले पर है यहाँ से, और डिस्ट्रिक्ट जो है इसका जड़ा वाला लगता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जो है इसका फैसलाबाद है, तहसील जो है सब डिवीजन इसकी वो जड़ा वाला की है। यहाँ पर हमारा स्टाप जो है वो 2 मिनट का होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे। ये भी 2 लाइनों का स्टेशन है, एक मेन लाइन दूसरी लूप लाइन, और ग्रेड 1 क्लास 1 इंटरलॉकिंग है यहाँ पर। यहाँ से 35 मिनट के फासले पे एक गांव है झामरा, जहाँ पे एक मकबरा है सर अहमद ख़ान खरल का। अहमद ख़ान खरल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जी एक लाइन का स्टेशन रुड़ाला रोड। एक लाइन ही, सॉरी एक मेन लाइन और एक लूप लाइन। ये इलाका जो है वो ख़ास तौर पे गन्ने की पैदावार और शुगर मिल्स के लिए मशहूर है। गन्ने की पैदावार यहाँ पे बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की होती है।
जी व्यूअर्स, तो हम आ चुके हैं अपने अगले शहर जड़ावाला। जड़ावाला का नाम असल में यहाँ पर जो रिवायात मिली हमें विकिपीडिया पे वो ये है कि जड़ावाला बोड़, बोड़ यानी कि बड़ बरगद दरख्त होता है, उर्दू में बरगद कहते हैं, पंजाबी में बोड़ कहते हैं, तो उसकी कोई नस्बत से इसका नाम जड़ावाला बोड़ था पहले, फिर उसके बाद सिर्फ जड़ावाला रह गया। तो और स्पीड लिमिट यहाँ पे भी वही 30 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ का फैसलाबाद है और सब डिवीजन यानी कि तहसील जो है वो जड़ावाला ही है। यहाँ पर हमारा क़याम होगा 2 मिनट का, और 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे। छोटा सा स्टेशन है, Grade 1 Class 1 इंटरलॉकिंग का। ये 3 लाइनों का स्टेशन है और यहाँ की जो मशहूर बात ये है कि ये इस सेक्शन की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी किसी टाइम पर। जी सर, राइट, बिस्मिल्लाह। सात बज के 17 मिनट पे हमारा अराइवल हुआ था। 2 मिनट का स्टॉप था लेकिन हैवी रश की वजह से एक्स्ट्रा टाइम लग गया 2 मिनट का। तो अभी हम मूव कर रहे हैं बुचियाना स्टेशन से लाहौर की जानिब। जी व्यूअर्स, टाइम हो रहा है 7:43 यानी कि 7:43, और हम पहुंच चुके हैं अपने अगले स्टेशन ननकाना साहब। ये गुरु नानक की निस्बत से इसको ननकाना साहब कहा जाता है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और काफ़ी ज़बरदस्त स्टेशन बनाया गया है। अक्सर यहाँ पे सिख यात्री जो हैं मखसूस दिनों में आते हैं और ज़्यादातर उनका सफ़र ट्रेन के ज़रिए ही होता है। तो वो ट्रेन्स भी मैंने वर्क की हुई हैं और अक्सर मैं ही वर्क करता हूँ स्पेशल ट्रेन्स। तो हम आ चुके हैं ननकाना साहब। ये लाहौर से जो है 80 किलोमीटर दूर है और डिस्ट्रिक्ट भी ननकाना ही है, और इसकी जो सब डिवीज़न है तहसील है वो भी ननकाना ही है। यहाँ पे हमारा क्याम होगा 2 मिनट का, उसके बाद इंशाल्लाह मूव करेंगे आगे। आगे हमारा स्टेशन 2 रह गए हैं, नहीं एक ही रह गया, वारब्रिटन, और उसके बाद शेखुपुर। ओके सर। ये सामने जो आपको सफ़ेद रंग की बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, ये गुरुद्वारा है और ये बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान है, यानी कि यहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। तो उस वजह से यहाँ पे जो है ना उनकी याद में काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा जो है वो तामीर किया गया। काफ़ी बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें बड़े बड़े हॉल्स हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, क्योंकि कसीर तादाद आती है यहाँ पे सिख हजरात की, तो फिर उनको अकोमोडेट करने के लिए उस हिसाब से यहाँ पे इंतज़ाम भी किए गए हैं।
नरवाल सेक्शन और ये तादलिया वाला जड़ा वाला सेक्शन, इन दोनों में एक चीज़ जो मुख्तलिफ है वो ये है, हालांकि दोनों ज़रई इलाके हैं, नहरी बरानी निज़ाम दोनों का बहुत ज़बरदस्त है, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नहरी निज़ाम भी यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो दोनों में मुख्तलिफ है, नरवाल सेक्शन जो है वो कदीम और जदीद का इम्तिजाज है। वहाँ पे आपको सहूलतें भी मिलेंगी, बेहतरीन किस्म के तालीमी इदारे भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट जो है हर किस्म की रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी, और अब तो सियालकोट का जो एयरपोर्ट है वो भी फाल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये 220 किलोमीटर की पट्टी शेखुपुरा से लेकर शोरकोट तक, यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है ख़ास तौर पर ट्रैक के नज़दीक, ये कदीम तर्ज़ बूदोबाश की ही वो एक अक्स है, तस्वीर है। यहाँ पे अभी भी कच्चे पक्के मकानात हैं जो कि बेतरतीबी से बने होते हैं, आगे पीछे जानवरों का वही उसी किस्म का रख रखाव है, अक्सर बैलगाड़ियाँ गधा गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे। तो ये दोनों का फ़र्क है जिसको जो है ना पार करना ज़रूरी है, ख़त्म करना ज़रूरी है फ़र्क को, और यहाँ के लोगों को भी तरक्की के उतरे ज़राए मैसर आने चाहिए, रास्ते मैसर आने चाहिए कि ये जगह छोड़कर, ज़रा छोड़कर किसी और तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क डिक्लेयर है, तो ज़रई मुल्क को बाहर से कोई चीज़ ज़रात वाली इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए, कम अज़ कम मेरे ख़्याल में। जी व्यूअर्स, तो हम पहुंच चुके हैं 8:12 पे वारब्रिटन स्टेशन, इस सेक्शन का आखिरी स्टॉपिंग स्टेशन है, उसके बाद शेखुपुरा फैसलाबाद लाइन पे आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप है 2 मिनट का, और 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह रवाना होंगे। वारब्रिटन का डिस्ट्रिक्ट जो है वो फैसलाबाद बनता है, सब डिवीजन यानी कि तहसील जो है वो जड़ा वाला है। ये हमारा आखिरी स्टॉपिंग स्टेशन था शोरकोट शेखुपुरा सेक्शन का, यानी कि जड़ा वाला सेक्शन का। इसके बाद शेखुपुरा स्टेशन जो है वो यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्शन बन जाता। 3 स्टेशन इसके दरमियान आते थे, लेकिन वो पहले हाल्ट करार दिए गए और अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर मामू वाली था, वहाँ पे भी मंडी हुआ करती थी एग्रीकल्चर ज़रात की बहुत बड़ी, लेकिन रफ्ता रफ्ता हर चीज़ जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच जाती है। तो अभी हम चल रहे हैं शेखुपुरा की जानेब, 32 किलोमीटर का सेक्शन है, तकरीबन 45 मिनट लगेंगे, स्पीड लिमिट जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ है, कहीं पे 65, कहीं पे 45, कहीं पे 33 भी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे शेखुपुरा स्टेशन पे। जी व्यूअर्स, तो वारब्रिटन से हमारा नाश्ता आ चुका है, मुर्तज़ा भाई हैं ये हमारे, ये लाहौर में TCR भी हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं हमारे साथ, तो इनको पता लगा कि हम आ रहे हैं तो आज हमारे लिए स्पेशल नाश्ता लेके आए हैं, जिनमें पराठे हैं, दही है, और स्पेशल जो है वो चाटी की लस्सी है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू बाद में देंगे। पंजाब की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, एक लस्सी, दूसरी अस्सी। जी व्यूअर्स, तो टाइम हो रहा है इस टाइम 9 बजे सुबह के, और हम पहुंच रहे हैं अपने व्लॉग के आखिरी स्टेशन यानी कि शेखुपुरा, जो कि लाहौर फैसलाबाद लाइन पे वाक़ है, और यहां से ब्रांच लाइन शुरू होती है शोरकोट की, जो कि मैंने पहले भी बताया कि 1905 में इस सेक्शन की मंजूरी हुई थी, 220 किलोमीटर का सेक्शन है और 12 स्टेशन करंटली इसमें वर्किंग है, कोई फ्लैग स्टेशन नहीं है, सारे Grade 1 Class 1 इंटरलॉकिंग है, और मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे सी लेवल से वो 180 है। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और एक बात और, अहमद ख़ान खल साहब के बारे में मैं वीडियो जो है वो अलग से बनाऊँगा, तो काइंडली ज़रूर देखिएगा।
और जानिए अपने हीरोज़ के बारे में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।